जो बार बार हमारे पर गोली उठाते थे, आज वो लोग कहाँ हैं? आज सबके सामने नूरपुर लूटा जा रहा है। कौन है नूरपुर की रक्षा करने वाला? कौन है नूरपुर का नाम लेने वाला? जो अपना परिवारवाद को आगे बढ़ा रहे थे, जब राजनीतिक विरासत परिवार से खिसकती है, ऐसी छिटाकसी करने का मौका मिलेगा ही, वो करेंगे ही। भले ही हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, पर नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में एक बार फिर भाजपा की राजनीति में गर्माहट दिखना शुरू हो गई है। ये किस्सा उस वक्त सामने आया जब भाजपा नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री राकेश पठानिया ने नूरपुर के मातृ शिशु अस्पताल से सामान और उपकरणों को नूरपुर से शिफ्ट कर ऊना ले जाने पर कुछ दिन पहले प्रेस वार्ता करके एतराज जाहिर किया। उन्होंने इसके लिए कांग्रेस पार्टी और स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों को आड़े हाथों लिया था। वहीं दूसरी तरफ बिना नाम लिए इशारों में किसी और पर भी तंज कस दिया था, जिसे देख नूरपुर विधानसभा से भाजपा विधायक रणबीर सिंह निक्का ने भी प्रेस वार्ता करके अपनी प्रतिक्रियाएं दे दी। दरअसल पूर्व कैबिनेट मंत्री राकेश पठानिया ने प्रेस वार्ता में यह कह दिया था कि नूरपुर अब यतीम हो चुका है और प्रदेश सरकार को चेतावनी भी दे डाली थी कि अभी हम मातृ शिशु अस्पताल के सामान को शिफ्ट करने को लेकर अपील कर रहे हैं, अगर सरकार ने सही फैसला नहीं लिया तो सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन भी करेंगे। वहीं दूसरी तरफ कहा था कि जब हम मंत्री थे तब कुछ लोग हमारे विरुद्ध में बड़ी बड़ी प्रेस वार्ता धर्मशाला में जाकर करते थे, वो अब कहां हैं? दंगल और दुकानों के फीते काटने से नूरपुर का विकास नहीं होगा। और अब इन सब बातों को लेकर नूरपुर भाजपा विधायक रणवीर सिंह निक्का ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दे डाली। नूरपुर यतीम नहीं है, परिवारवाद से मुक्त हुआ है। निक्का ने कहा है कि जो लोग नूरपुर को यतीम कह रहे हैं वो छटपटाहट में हैं। उन्होंने कहा कि नूरपुर की जनता ने बहुत समय से चले आ रहे परिवारवाद की राजनीति को दरकिनार कर नया सूर्य उदय किया है। उन्होंने कहा कि नूरपुर यतीम नहीं बल्कि परिवारवाद से मुक्त हुआ है। उन्होंने कहा कि हर मंच से नूरपुर के हक की आवाज उठाता रहूंगा। उन्होंने कहा है कि उनके विरोधी उन पर तंज कसते हैं कि निक्का दंगलों और छिंजों में जाकर रिबन काटते हैं। उन्होंने सवाल पूछा है कि क्या दंगल और छिंजों में जाना बुरा काम है? क्योंकि नूरपुर अब यतीम हो चुका है, इसलिए ये मार्केट भी वैसी की वैसी खड़ी। इतना भव्य काम कॉलेज का लगा था, आज ठेकेदार वहां पे भी शांत बैठा हुआ, पैसे की व्यवस्था नहीं हो रही, पुलों पे स्लैब नहीं पड़ा, कोई भी नया पैसा आईपीएच पीडब्ल्यू नहीं आया। आज सब डिवीजन में एक सीनियर मंत्री बैठा हुआ है, मैं आदरणीय सुखू जी से, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा और हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूंगा, इस बार तो प्रार्थना करूंगा अगली बार सड़क पे आऊंगा। और जो लोग जब मैं मंत्री था जो बार बार हमारी छवि पे उंगली उठाया करते थे, वो आज कहां मरे? जो बार बार हमारे पर हाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस धमशा जारी करके छवि पे उंगली उठाते थे, आज वो लोग कहां हैं? आज जब सबके सामने नूरपुर लूटा जा रहा है, कौन है नूरपुर की रक्षा करने वाला? कौन है नूरपुर का नाम लेने वाला? केवल शिंजों से दुकानों के फीते काटने से नूरपुर नहीं चलेगा। मुझे इस बात का गर्व है कि सात महीने के बाद एक राकेश पठानिया ऐसा व्यक्ति था जिसने नूरपुर को चरम सीमा में पहुंचाने का प्रयास किया। जब राजनीतिक विरासत परिवार से खिसकती है, जो अपना परिवारवाद को आगे बढ़ा रहे थे, तो उनको ऐसी छिटाकसी करने का मौका मिलेगा ही, वो करेंगे ही, क्योंकि नूरपुर के लोगों ने नया सूर्य उदय करने की जो बात कही थी उसको करके दिखाया। 19,000 वोटों से हिमाचल प्रदेश में परसेंटेज वाइज दूसरे नंबर से नूरपुर के लोगों ने जनादेश दिया है। मैं उस मातृ शक्ति को प्रणाम करता हूँ, युवा भाइयों का धन्यवाद करता हूँ और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके मैं आगे बढ़ूंगा और बिना अपने परिवार का फायदा करते हुए। मैंने पहले दिन से कहा है कि जो भी मुझे मिलेगा एक रुपया भी मैं अपने परिवार की तरफ नहीं लगाऊंगा, एक एक रुपया अपने गांव के विकास के लिए, अपने बुजुर्गों का मान बढ़ाने के लिए, मातृ शक्ति का मान बढ़ाने के लिए अपनी माताओं बहनों के बीच में आऊंगा कि अपने महिला मंडल का रजिस्ट्रेशन नंबर और बैंक खाता नंबर मुझे दो ताकि मैं प्रथम किस्त अपनी माताओं बहनों का सम्मान करने के लिए आपके खाते में डालूं। हमारी सांस्कृतिक विरासत, जो पुराने रीति रिवाज हैं, हमारे कल्चर हैं, उनमें जाना, उनमें बढ़ावा देना, उनका सहयोग करना कौन सा गुनाह है? हमारा सभ्याचारिक, हमारी सांस्कृति कल्चर आगे बढ़ने चाहिए। मैं सदैव अपने गांव के बुजुर्गों का मान रखने के लिए, आज भी हमारे अलग अलग पंचायतों में छिंज मेले हो रहे, पिछले कल ग्योरा पंचायत का छिंज मेला था, बड़ा अच्छा
सुशोभित तरीके से बुजुर्ग अलग जगह बैठाए, युवा अलग जगह बैठाए, पूरी कमेटी पूरी पंचायत एक साथ। ये कुछ समय होता है जब पूरे गांव को एक साथ इकट्ठा होकर एक संदेश देना होता है कि किस तरह से हमारे सभ्याचारिक मेले, हमारा सांस्कृतिक धरोहर आगे बढ़े। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन कुश्तियों को देखते हैं, उन रामलीलाओं को देखते हैं, उन मेलों को देखते हैं कि कौन सी हमारी जो प्राचीन धरोहर है किस तरह आगे चले, उसको सीखते हैं। हमारे देश विदेश से पहलवान आते हैं, अपनी कुश्तियां दिखाते हैं, बच्चे नशे से दूर रहें, अपना शरीर तंदुरुस्त बनाते हैं। तो ये जो सभ्याचारिक मेले हैं हमारे छोटे छोटे पहलवान। एक दिन पहले छोटे बच्चों का छिंज मेला कुश्तियां थी, छोटे छोटे बच्चे अपनी कुश्तियां दिखाते हैं, वो भी बड़े पहलवानों को देख के बोलते हैं कि मम्मी हम भी, पिता हम भी ऐसा शरीर बनाएंगे और बड़ी बड़ी कुश्तियां हम जीतेंगे। उनको आशीर्वाद देने मैं जाऊंगा, मेरा कल्चर है, मेरी सांस्कृतिक है, मैं गांव से जुड़ा व्यक्ति हूं, उन बुजुर्गों का मान रखने के लिए जाऊंगा, उन छिंज कमेटी के सदस्यों का मान रखने के लिए मैं जाऊंगा। अगर कोई छीटा कसी करता है वो उन्हें पता। नूरपुर से संजीव महाजन की रिपोर्ट। नेशन स्पीक्स। अब बोलेगा हिंदुस्तान।